तो इस तरह की फॉर्मेटिंग कैसे, क्योंकि जब तक फॉर्मेटिंग नहीं बनेगी तब तक इसकी फॉर्मूले और बाकी चीजों को यूज करना मुश्किल है ना सर। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम को छोड़ दीजिए, उसको छोटा कर दीजिए, इसके लिए बॉर्डर के लिए, दिख रहा है ना गैप, दिख रहा है ना, इसके लिए। उसके बाद ऊपर से हेडिंग के लिए ये दो कॉलम छोड़ दीजिए, और फिर यहाँ ये दो कॉलम पे हेडिंग होगा, और हेडिंग हमेशा आप जो है सेंट्रल में रखें, और हेडिंग डालते समय उसको मर्ज कर दें, इसलिए जब कॉलम छोटा बड़ा होगा तो हेडिंग को फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने बोल्ड कर दिया, सेंट्रल कर देते हैं। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हेडिंग के नीचे यहां सीरियल नंबर है, तो हम यहां पे सीरियल नंबर देते हैं डॉट। आप इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इस तरह से अंडरस्कोर कंटिन्यूस लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर इसमें M/S, एस छोटा है डॉट, और फिर इसके अंदर भी अंडरस्कोर लगा दे। नेम थोड़ा बड़ा है तो बड़ा रहना चाहिए। देखिए दूसरी चीज, करेक्शन, आपको फॉर्मेट बनाने के लिए मिला तो ऐसा नहीं कि आप नकल कर दे, जैसे उसकी को नकल कर दे, ठीक है, नहीं, क्योंकि कि आपको उसका ये भी देखना है ना, यूटिलाइजेशन भी तो देखनी है, समझ रहे हैं सर। और यहां पे हम डेट डेट और इसको हम यहां पे कर देते हैं, इसको भी बोल्ड। अब यहां हमें क्वांटिटी, यहां पे क्यू टी वाई क्वांटिटी पार्टिकुलर्स, रेट, और यहां अमाउंट। अमाउंट जो हमारा डॉलर साइन नहीं, रुपीज के साइन। रुपीज कैसे करें, तो अगर यहां, अगर हम यहां पे कर्सर रख के शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस करें तो डॉलर आएगा ना, तो रुपीज प्रेस करना है क्या सर, डालने पे रुपीज तो आ रहा है, बट अगर ब्लैंक कर दूं तो रुपीज का सिंबल नहीं आ रहा, तो रुपीज का सिंबल कैसे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इंसर्ट के अंदर हमारे पास सिंबल आता है, तो आई थिंक सिंबल में आपको मिलेगा रुपीज का सिंबल, रुपीज का है ये। नहीं है इसमें सिंबल, होना चाहिए, लेकिन पिछले वर्जन में तो था सर करेंसी सिंबल में होगा ना। तो करेंसी, एक मिनट, करेंसी सिंबल बेसिकली प्रॉब्लम ये है, एक मिनट, तो वो आपका नंबर फॉर्मेट है ना, इसलिए करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल है ना, सॉरी
करंसी सिंबल में आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसको हमें यहाँ इंसर्ट नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ इसे इंसर्ट करना चाहिए। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि अब इसको उठा के मुझे जो है रेट के आगे रखना होगा, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ क्वांटिटी का साइज तो ठीक है, अब पार्टिकुलर्स का साइज हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा, और हमें रेट का साइज भी ठीक है, अमाउंट का साइज थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ओके सर, अब ये कैश मेमो को जो हमने लिया हुआ है इसको यहां से हम हटा देते हैं, और फिर इसको एक थोड़ा सा एरिया पकड़ के इसको मर्ज करते हैं, सही रहेगा। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके नीचे तक लाते हैं और इसको हम बॉर्डर देते हैं, और साथ में ये बाहर वाला राउंड अप बॉर्डर दे देंगे तो बेटर रहेगा। और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, यहाँ हमारा बॉर्डर दिखता है जिसमें ये डबल लाइन वाली बॉर्डर जो होती है ये ऊपर और नीचे हम सेलेक्ट कर देते हैं, देन ओके। और नीचे भी हमें डबल लाइन का बॉर्डर मर्ज करना है, और इसी बॉर्डर को डबल लाइन वाली बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, हालांकि यहां से भी आप कर सकते हैं। दोनों पे करना है तो फॉर्मेट सेल पे जाके ठीक रहेगा, हम इसको सेलेक्ट करके ऊपर डाल दें। अब यहां हम टोटल लिखते हैं और टोटल को सेंट्रल करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद ये क्वांटिटीज को भी सेलेक्ट करके हमें बोल्ड करना है, और यहाँ गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट और इसको लेफ्ट करते हैं यहां से और इसको बोल्ड कर देते हैं। हमें लग रहा है कि अमाउंट थोड़ा बड़ा हो गया है तो अमाउंट को थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, पार्टिकुलर्स भी थोड़ा बड़ा है तो उसको और छोटा करते हैं। और फिर रेट को लेके यहाँ हम रखते हैं, रेट को उठा के ताकि आगे ना बढ़े, ये सही है। इसको थोड़ा और डिलीट करना है तो थोड़ा और डिलीट कर दीजिए, आपको लगता है सीरियल नंबर बड़ा है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, आपको लगता है डेट भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। उसके बाद फाइनली पूरे इसको इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए इस तरह से, और इसको एक राउंड बॉर्डर यहाँ से लगा दीजिए आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन दिख रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। और इतने पेज इतने एरिया को यहाँ पे जाइए पेज लेआउट में सेट प्रिंट एरिया करेगा तो प्रिंट एरिया को सेट कर दीजिए ताकि इतना ही एरिया प्रिंट होगा। अब इसकी प्रिंट कमांड लीजिए तो एक फॉर्म मेमो की तरह आपको दिख रही है। तो नो स्केलिंग तो मैंने यहाँ पे कर दिया फिट टू वन पेज, ठीक है। तो ये आपका कैश मेमो आपका बना, ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसकी लाइनिंग जो है, जो आप बीच की लाइनिंग देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लाइनिंग थोड़ा अलग होना चाहिए तो जनरली लाइनिंग ब्लू कलर में होता है, आपने देखा होगा कि आपका लाइनिंग जो होता है वो तो ब्लू कलर में। नहीं सर, ये वाला ना, बेटर है सर, समझे। अब आपने भी बनाया था प्रोजेक्ट को, ये आप देख पा रहे हैं, और मैंने बनाया है। अब इसमें आप कर दीजिए अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट,
टोटल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए सम का फॉर्मूला, और रेट में हम लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला, ये आपका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, तो यहां अगर पार्ट यहां पे मान लीजिए 15 रुपए का रेट है और एक क्वांटिटी 20 क्वांटिटी है, तो ये आपका आएगा, हमने गलत कर दिया था, हमने करना था क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, इसके ऊपर आप करेंसी का फोल्डर अप्लाई कर दीजिए ताकि वो रिपोर्ट के सैंपल में आ जाए, या रुपीज का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, समझ में आया, किसी को डाउट इसमें? तो बेसिकली हम इसी तरह का एक करते हैं, दिख रहा है? एवरेज की कमांड कहां से थी सर? एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाए थे। ओके, फॉर्मूला में जाकर जी जी ठीक है। अब इसी तरह की और भी चीजें कर सकते हैं, ये जो ये तो सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मेट है, लेकिन आप इसी तरह के और भी फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। तो चलिए एक और फॉर्मेटिंग हम बनाते हैं, ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म दिख रहा है ना, इसी को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक एरिया लेते हैं जहां तक कॉन्टेक्ट फॉर्म आएगा, हम लेते हैं ऊपर के हेड टाइटल्स के लिए हम सेलेक्ट करते हैं और यहां इसको कर देते हैं मर्ज, तो यहां मर्ज करना ना, फिर यहां। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये पिक्चर्स भी है, ठीक है ना, तो पिक्चर्स है तो आप कॉपी करके पिक्चर्स डाल दीजिए, या फिर इसके बैकग्राउंड में कोई कलर वलर डाल दीजिए, एक कलर सही रहेगा ये डाल, और फिर इसके अंदर हम टाइप करते हैं। अब पिक्चर थोड़ी बनाएंगे, फोटोशॉप थोड़ी है जिसके सेम पिक्चर बनाने लगे क्या सर? ये होटल का एक है स्टे, और इसको हमने मिडल किया और इसको यहां से हम बड़ा करते हैं, ये सही रहेगा। और इसकी कलर देखिए, जब भी आपका डार्क कलर हो तो व्हाइट कलर बेटर रहता है, तो व्हाइट कलर हमें ले लिया। अब हमने एक नियम तोड़ दिया, एक नियम था कि हमें एक ब्लैंक रो हमें चाहिए और साथ में एक ब्लैंक कॉलम भी, ठीक है सर, और दोनों की साइज थोड़ी सी कम कर दे ली ताकि साइड बॉर्डर मिल जाए। अब यहाँ मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको फॉर्म कितना बड़ा चाहिए, जैसे मुझे के वाला नहीं चाहिए, इतना ही बड़ा फॉर्म चाहिए, ठीक है क्या सर? या फिर मान लीजिए ये हटा देते हैं, ए फॉर्म चाहिए, अब इतना बड़ा फॉर्म ही चाहिए। उसके बाद मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट नेम और स्टार दे दिया। अब इसके अंदर जो स्टार आ रहा है उस स्टार को रेड करना है, तो एक देखिए आप अगर यहां से जाकर रेड कलर अप्लाई करेंगे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, फिल्ड हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक स्टार करना है, तो डबल क्लिक करके इस स्टार को सिलेक्ट करके देन रेड कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको
और इसको सेलेक्ट करके हमने कर देते हैं यहाँ यहाँ तक ले। फिर गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या सर? तो 1 2 3, 3 को सेलेक्ट करके हमने कर दिया मर्ज, फिर 1 2 3 सेलेक्ट करके कर दिया मर्ज, बीच को हम कर देते हैं छोटा गैप के लिए, ठीक है सर? और फर्स्ट नेम इसके जगह पे हमारा आ जाता है लास्ट नेम, लास्ट नेम, और ये जो डॉ इसके जगह पे इसको कलर कर देते हैं। फिर आता है, हाँ अब एक रो छोड़ना है इसको छोटा करके, फिर नीचे आना है, कोई तो गैप चाहिए ना यहाँ पे, गैप जो है सो स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, और इसके अंदर भी स्टार लगाना है, इसे स्टार को सिलेक्ट करना है, यहाँ से मर्ज कर देना है, और ये थोड़ा सा बड़ा करना है, और स्ट्रीट एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा रख के इसको मर्ज कर देना है। अभी सब में बॉर्डर लगाऊंगा ना, ये फिलहाल बॉर्डर नहीं लगाया। फिर स्टेट एड्रेस को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, और इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2, और इसको भी एक लंबा एरिया लेके इसको मर्ज करते हैं, और इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर एक कॉलम छोड़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे हो जाता है सिटी, सिटी, और सिटी में स्टार, और फिर इस स्टार को हम लगाते हैं और यहाँ पे कलर कर देते हैं, और जो सिटी है वो हमने यहाँ पे 3 को ले लिया, चौड़ा इसको मर्ज कर दिया, एक इसको छोड़ देते हैं। ये आता है स्टेट, स्टेट और स्टार, इस स्टार को सेलेक्ट किया, यहां से मैंने डॉलर रेड कर दिया। स्टेट के बाद यहां आता है आपका जिप कोड, एक फिर छोड़ना है ताकि इसको हम छोटा कर सके, ठीक है? और यहाँ पे जिप कोड, और जिप कोड भी हमें मर्ज कर दिया, ठीक है? उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, नीचे आना है, फोन नंबर, और फोन नंबर भी जिप कोड भी चाहिए चाहिए, तो स्टार लगाया, सेलेक्ट किया, और यहाँ से डॉलर साइन लगा। अब आता है फोन नंबर, तो फोन नंबर में भी यहाँ हम स्टार लगाते हैं और इसको रेड कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम मर्ज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को हम पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं, और इसको नीचे तक कर देते, और यहाँ पे एक एक यहाँ पे ऊपर भी बहुत ज्यादा एक गैप छोड़ दिए, गैप थोड़ा कम कर देते हैं, और इसका भी गैप थोड़ा कम कर देते हैं, नहीं इसका गैप थोड़ा कम कर दे, और यहाँ अब जो है एक मैसेज है, इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, और एक कलर में है तो ये हम हल्का रेड कलर ये वाला ले लेते हैं, और थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। फिर यहां पे आता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है? और इसकी कलर मैं कर देता हूं यहां से व्हाइट बोल्ड, और साइड में और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते, और यहाँ से एक लाइन छोड़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ देते हैं फर्स्ट डे, फर्स्ट डे,
और फर्स्ट डे में सही है, थोड़ा सा छोटा इसको करते हैं। इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ नाइन, भाई थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते, और बाकी जो लिखना लिख दी काफी है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल, और यहाँ प्लीज म्यूट कर दीजिए, शोर आ रहा है प्लीज। ये वाली कलर लेते हैं और ए वाला बॉर्डर, और इसको चूज कर लेते हैं। अब यहां पे लेते हैं F4, हमारा लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। ठीक है, और फिर हम पेज लेआउट में जाते हैं और ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। सर कौन सा शॉर्टकट बताया हमने, F4? जी हाँ F4 जी, ठीक है ठीक है ना। और फिर यहाँ मान लीजिए इसको, इसका मान लीजिए आपको PDF बनाना है, या मान लीजिए इसका आपको कुछ बनाना, जो इमेज बनाना है, तो एक एरिया इस तरह का सेलेक्ट कर लीजिए, और एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये एरिया आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप आउटर बॉर्डर लगाने के लिए। अच्छा ये हमारा यहाँ पे आएगा, और हम यहाँ इसका आउटर बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, समझे सर? यस सर। या ये देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा है या छोटा है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ अनमर्ज और मर्ज कर देता हूँ। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल बॉर्डर, हमने यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, ठीक है। और ये आपको बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, और यहाँ छोटा करेंगे तो आपको टेक्स्ट साइज भी छोटा करना पड़ेगा। अब बेटर है ना? ठीक है सर, इसकी प्रिंट आउट निकालिए, पता चल जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है क्या। तो इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करें, गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाने के बाद फॉर्म को देखें, चाहे गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, दो फॉर्म मैंने बताया, इन्हीं दो फॉर्म को आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। A5 मैं आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो, ठीक है सर। अब आप लोगों के पास जो डाउट है आप लोग अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं।